के मत में 200 और 250 लड़के सालाना मिलिटेंट बन रहे हैं कश्मीर के, और वो कोई अनपढ़ नहीं है, वो डॉक्टर जा रहे हैं, वो इंजीनियर डॉक्टर छोड़कर जा रहे हैं, वो प्रोफेसर छोड़ के जा रहा, पीएचडी वाला छोड़ के जा रहा, लॉ ग्रेजुएट छोड़ के जा रहा, क्योंकि उसको मोदी की सरकार पे भरोसा नहीं है। और मोदी की सरकार ने जो इतना तंग कर दिया है कि वो मिलिटेंसी में ज्यादा कबूल कर रहा है, इसीलिए मेरे भाइयों और साथियों, आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर खतरे में है, पूरा हिन्दुस्तान खतरे में है। आज यही सबके साथ हो रहा है, आज देश की जमहूरियत खतरे में, इसलिए जमहूरियत को बचाना है हमें, इंसानियत को बचाना है, और इंसानियत और जमहूरियत को बचाने के लिए, और फिर वही दौर यूपीए का, शामिल और तरक्की का दौर, जहां सड़कें बने, जहां अस्पताल बने, जहां स्कूल बने, जहां राशन मिले। इन्होंने चीनी भी बंद कर दी, चीनी बंद कर दी गई, मिट्टी का तेल बंद करता करे, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, डीजल की कीमत बढ़ाई गई, टंक और जलाए नहीं हो, गैस वैस उसकी कीमत भी बढ़ी की थी, खान पीन की चीजें सारी बढ़ा, इन्होंने पूरे वक्त में आदमी का जीना हराम हो गया। इस वक्त एक सुनहरी बैठक होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वैसे तो बीजेपी से पूरा हिन्दुस्तान तंग आ गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की लोग सबसे ज्यादा तंग आ गए हैं, क्योंकि यहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ बीजेपी ने सूत्र नहीं मांगा सलूक किया, हमारे साथ बहुत बड़ा सलूक किया, और जम्मू कश्मीर अभी यहां की सियासत का पता ही नहीं चलता, पेपर है और गवर्नमेंट भी है, और जो नहीं है उन सबसे धार्मिक शरीयत में एक एक वोट निरीक्षा और कांग्रेस का हम सबका जो चुनाव विचार है वो हाथ है, इस हाथ की कुर्बानी करियो, तो इस हाथ पर बटन दबाकर हर एक शरीर से इनको पार्लियामेंट में भेजना, तो 14-15 से देखे ख्याल रखना, हम दोनों आएंगे यहाँ और एक दिन यहाँ रहेंगे और ऊपर भोग में भी आपसे मिलने आएंगे। आज बहुत शुक्रिया।